अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और मैं ऊपर आ गया हूँ, और आज एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ेदार, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, बताता हूँ। उससे पहले मैं पहले ज़रा अपने हम अपने टर्टल को ज़रा खाना डाल दें। चलो भाई, फिर मैं आपको गुड न्यूज़ भी बताता हूँ। ये खाना खा लें अपना, और थोड़ा हम तोतों को डाल देते हैं और कबूतरों को पानी डाल देते हैं। ये दो, तीन और ये चार। अच्छा भाई, तो ये हमने दाना पानी भी डाल दिया, आपने बत्तख को भी डाल देते हैं। और पहले फारिग हो जाते हैं इनके खाने वगैरह से, पानी से अपने टर्टल्स को भी डाल देते हैं। ये भाई कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दिया, लेकिन खाने भी लग गया वो। अच्छा तो भाई, गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि पहली बार हमारे जो ग्रीन रिंगनेक पैरेट हैं, तोते हैं, उन्होंने दूसरी बार ब्रीड की है, मतलब दूसरी बार अंडे दे दिए हैं। और मैं तो खुशी से पागल हो गया था जब मैंने देखा था, क्योंकि इन्होंने पहले 3-4 साल से मेरे पास हैं, इन्होंने सेकंड ब्रीड कभी भी नहीं की थी, और अभी खुद ही की है, मैंने कुछ नहीं किया। और ये देखें, मुझे डर लगेगा थोड़ा, छेड़ो, माशाल्लाह 3 अंडे दे दिया, कल तक 2 थे। उई उई, उई काट रही है, ये देखें मुझे काटने आ रही है ये अंडे। अल्लाह करे देखते हैं आप लोगों को, वो रहे इसके अंडे भाई, वो रहे। ये देखें यार, मैं थोड़ा सही तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें भाई इनके अंडे। अब देखें भाई, देख लिए, माशाल्लाह से 3 अंडे इसने दे दिए हैं, और इंशाल्लाह ये 3 से ज़्यादा ही देगी, 4 भी देगी, और इंशाल्लाह दोबारा एक बार फिर हमारे घर में हरे तोते ब्रीड करेंगे। पहले वाली जो इसकी ब्रीड थी उनकी मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की, वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ उनके साथ, वो बट गए। जाहिर सी बात है, जब घर में ब्रीड होती है तो दोस्त यार मांगने वाले बहुत होते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो इसने 3 बच्चे दिए थे और वो तीनों बट चुके हैं। अब ये जो बच्चे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं किसी को नहीं दूंगा और ख़ुद पालूंगा, हैंड टेम करूंगा इंशाल्लाह। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, वरना कोई ना कोई वैसे उठा के ले जाता है। तो ये रिपोर्ट थी भाई इनकी आज की। सेकंड, ये देखें भाई, ये देखें, ये एग्रेसिव भी बहुत है भाई। ये इनका दाना पानी, खीरा वीरा सब रखा हुआ है, सॉफ्ट फूड। ये फीमेल है, वो मेल है, ये कबूतर के पिंजरे से मेरे। गर्मी बहुत है, ये सोने पे सुहागा है कि इतनी गर्मी में तोतों ने ब्रीड कर दी है। खैर हमारे लिए अच्छी बात है, अल्लाह करे ब्रीड करते ही रहें, पूरे साल ही करते रहें। तो रिपोर्ट और क्या है, हमारी बत्तख भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है भाई, कछुए भी ठीक हैं, सब ठीक हैं, सब ठीक हैं। अब मैं चलता हूँ ज़रा ऊपर, रॉकी को नहलाता हूँ, थोड़ा गर्मी बहुत है, ऊपर चल के उसको नहलाते हैं, ठीक है भाई। ये हमने रॉकी को अपने बांध दिया है, और बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, ये मेरी रोज़ की रूटीन है। पानी भी हमने चालू कर दिया इसको, अब नहलाते हैं ये भाई। नहलाते हुए ध्यान रखा करें, जिन जिन के पास भी कुत्ते वगैरह हैं, कि इनके कान में पानी ना जाए, ठीक है? कान में पानी जाना थोड़ा ख़तरनाक होता है इनके लिए। ये मेरी रोज़ की रूटीन है, अपने छत को भी सारी गीला करूँगा। ये इसका पानी का बर्तन है, इसको मैं पूरी तरीके से नहलाऊँगा। अच्छा, अब वीडियो मैं यहीं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं ना बना पाऊँगा ना दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसको संभालना आसान काम नहीं है। बहरहाल आज मेरी टॉपिक था ये था कि हमारे ग्रीन रिंगनेक ने बच्चे फिर दे अंडे दे दिए, इंशाल्लाह बच्चे भी देंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आज बताना था आप लोगों को। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बना फिर